गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 10th क्लास के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल किसे कहते हैं? वह सभी पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में अथवा अपने द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, H2SO4 अपने विलयन में टूट जाता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, जिसे HNO3 ये टूट जाता अपने विलयन में H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो ये सभी पदार्थ अपने विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए ये सभी पदार्थ अम्ल हुए। अतः आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो अपने विलयन में अथवा द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये परिभाषा हो गई अम्ल की। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जो अपने विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे NaOH टूट जाता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, इसी तरह से LiOH ये टूट जाता है Li पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस ये टूट जाता है Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव में। तो वे सभी पदार्थ जो अपने विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो यहां लिखेंगे वे सभी पदार्थ जो अपने विलयन में अथवा द्रवित अवस्था में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इस प्रकार अम्ल तथा क्षार दो अलग अलग पदार्थ हुए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो अपने विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल तथा क्षार के बाद हमारा अगला टॉपिक है लवण यानी लवण।
अम्ल तथा क्षार की रिएक्शन कराने पर यानी अभिक्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त जो पदार्थ प्राप्त होता है यानी जो क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे देखिए अम्ल, HCl एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करा दिया जाए तो यहां से सोडियम धातु और यहां से क्लोरीन अधातु आपस में जुड़ेगी और बनेगा NaCl प्लस वन जाएगा H और OH मिलकर के H2O। तो ये हो गया आपका अम्ल, ये हो गया आपका क्षार और ये हो गया आपका लवण, जबकि ये जल। तो लवण की परिभाषा, अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त बना हुआ पदार्थ क्रिस्टलीय पदार्थ लवण कहलाता है। अब इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनकी पावर न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। अतः लवण की एक और परिभाषा कह सकते हैं आप कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बने पदार्थ को हम लवण कहते हैं। तो यहां लिखा जाएगा लवण की परिभाषा कि क्षार से क्रिया कराने पर जल के अतिरिक्त बने ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ को लवण कहते हैं। इस प्रकार यह प्राप्त NaCl एक लवण है। इसके अलावा इसकी एक और परिभाषा आप दे सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बने हुए ठोस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। यह ठोस पदार्थ क्रिस्टलीय होता है। अतः आपकी तीन परिभाषाएं, अम्ल वे सभी पदार्थ जो अपने विलयन में अथवा द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। क्षार वे सभी पदार्थ जो द्रवित अवस्था में अथवा अपने विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। और लवण वे सभी पदार्थ जो अपने विलयन में अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त बने हुए ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ को लवण कहते हैं।